वापस इलेक्शन और कितने कॉन्फिडेंस बीजेपी, क्योंकि लगातार कैंपेन चल रहा है, लगातार इलेक्शन भी चल रहा है, क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करते हुए कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, एनडीए आगे बढ़ रहा है, यानी 400 प्लस एनडीए का। और यह स्पष्ट इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से 10 साल में देश को नेतृत्व दिया, उससे जनता का अटूट विश्वास और अटूट विश्वास के साथ साथ एक तरीके से समर्थन और उनके ही नेतृत्व में देश आगे बढ़े, ऐसा मन बना लिया है लोगों ने। और यह हमको प्रथम दो चरण में साफ देखने को मिला है। और इससे विपक्ष की हताशा बढ़ी है, और विपक्ष की हताशा बढ़ने के बाद उनका जो हमेशा फूट डालो, राज करो, लोगों को गुमराह करो, इस राजनीति को उन्होंने स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का काम पकड़ लिया है। अब वो बहुत ही डीप डिप्रेशन में चले गए हैं, और इस कारण से वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जो समाज को बांटे। अभी जो उनका मैनिफेस्टो आया, वो मैनिफेस्टो उनका हिडन एजेंडा स्पष्ट बताता है। वो हिडन एजेंडा क्या है? जो उन्होंने आंध्र प्रदेश में किया, जो उन्होंने कर्नाटक में किया। क्या किया उन्होंने? जो भीमराव अम्बेडकर जी ने साफ कहा कि संविधान के अंदर कभी भी रिलीजियस ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने आंध्र प्रदेश में 4 बार प्रयास किया और एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन लेने का प्रयास किया। कर्नाटक में उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन लेकर के मुस्लिम को दिया, जो हमारी सरकार ने उसको निरस्त किया। और आंध्र प्रदेश में कोर्ट के कारण ये नहीं हो पाया, लेकिन उनकी मानसिकता साफ थी। वही उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी माइनॉरिटीज के नाम पर, माइनॉरिटीज मतलब कांग्रेस की माइनॉरिटीज का मतलब मुस्लिम माइनॉरिटीज, उनको और उनके लिए भी वो भला नहीं कर रहे, उनका वो भला नहीं चाहते हैं, वो सेपरेटिस्ट एटीट्यूड को लेकर के, डिविजिव फोर्सेस को लेकर के अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में उन्होंने किया। अब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि अब वो डीप फेक वीडियोज लेकर के आ रहे हैं। और हमारे गृह मंत्री जी का जो वीडियो था, वह वीडियो स्पष्ट रूप में बता रहा था कि एससी एसटी ओबीसी के हितों की हमेशा रक्षा की गई है और हमेशा रक्षा की जाएगी, लेकिन उन्होंने उसको फेक वीडियो बना करके समाज में भ्रांति फैलाने की बात की। और सबसे दुख की बात यह है कि यह तेलंगाना के इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के टेलीफोन से यह सोशल मीडिया में अपलोड हुआ। और इंडिया अलायंस के नेताओं को शर्म नहीं आती, ना इनकी पार्टियों को शर्म आती है, इन्होंने इसको वायरल कराने का प्रयास किया। यानी आप, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिविजिव फोर्सेस एंड यू आर इन सच डीप डिप्रेशन कि आप ये डीप फेक कार्य को आप आगे बढ़ा रहे हो। तो इस तरीके की बातचीत, और सच्चाई क्या है कि हम 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने देश के भले के लिए काम किया। अगर हम बात करें धारा 370 को धाराशाही किया, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उसी तरीके से 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी थी, एक यूपीए वालों में हिम्मत नहीं थी इसको करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति हुई। नारी शक्ति वंदन विधेयक वो पारित हुआ, और कोर्ट के माध्यम से अगर फैसला मिला राम जन्मभूमि का, तो उसको भी प्रशस्त किया। लेकिन ये 400 हम जीत रहे हैं, इसको इससे डिप्रेशन में आकर के, बौखलाहट में आकर के, यह भ्रांति भ्रांति से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा नंबर घटे। ऐसा होगा नहीं। ये लोग, सब लोग जितना भी प्रयास कर रहे हैं, भारत की जनता और मानवी ने तय कर लिया है मोदी जी को आगे बढ़ाने।